सॉरी परसों कल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जा रहे हैं। हमारा अगर किसी को प्रमाण लेना हो तो मेरे विद्यालय में जाके कर लेने। व्यक्तिगत विक्षण कार्ड का मुझे पत्र मिला था मारवाड़ी हाई स्कूल का, मैंने पत्र वापस कर दिया। हमारे संजय झा अध्यक्ष संयोजक इनको भी पत्र आया, ये भी वापस कर दिया। हमारे नंदन भाई को वापस कर दिया, नियमित शिक्षक की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे इमरान भाई सबसे पहले वापस कर लोगों को हमको नहीं देखना है। इतना आदमी कसम खाई अभी तो किसी भी हालत में कल से हड़ताल में जाएंगे। इतना आदमी अगर निर्णय ले लेते हैं जाएंगे निश्चित रूप से माहौल बदलेगी और हम सफल होंगे। बिहार राज्य शिक्षक समन्वय समिति सरकार को आगाह करती रही कि हम लोगों का जो मांग है नियमित शिक्षक की तरह नियोजित शिक्षक को भी सारी सुविधाएं मुहैया कराया जाए और नियोजित शिक्षकों का सेवा शर्त अविलंब बनाया जाए। लेकिन सरकार किसी स्तर पर नियोजित शिक्षक संगठनों से वार्ता नहीं किया, बाध्य होकर के हम लोग कल से यानी 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इसी दिशा में आज हम लोग मशाल जुलूस निकाल करके संघ भवन से लहरियासराय टावर पर सरकार को सचेत करने आए हैं। आज हम लोग बिहार राज्य शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर हम लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। कल 17 फरवरी से हम लोग पूरे बिहार में तालाबंदी करके हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी जो स्थिति है, हम शिक्षक हैं, हमसे सारा काम जो सरकारी सेवा में आने के बाद सारा सब काम जो करवाया जाता है हमको समान काम के समान वेतन नहीं मिल रहा है। हमारी मासिक सामाजिक और क्या नाम है तालीमी, इसी तरह से हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई और उसके क्या नाम है शादी ब्याह और क्या नाम है अच्छे जो अच्छे अच्छे उनके ख्वाब हैं वो कोई भी सभी ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है। आज जो है तो हम लोगों का जो ये मशाल जुलूस है यह सरकार के विरोध में है। सरकार जो है सो हम लोगों की मांग, हमारे शिक्षकों की जो मांग है तो चल रहा है बहुत दिनों से, लेकिन गलत गलत जो है सो व्याख्या करके और सरकार जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाके गलत व्याख्या करके चला आया। हम आज देख रहे हैं कि वह कहता है हमारा सरकारी कर्मचारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, तो आज क्यों वह हमारे शिक्षक को विक्षण कार्ड में लगाया है? उसके पास पैसा नहीं है, समान काम के लिए समान वेतन के लिए पैसा नहीं है। एक विधायक को 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आमदनी रहता है, एक दिन के लिए विधायक होगा कल सफल ग्रहण करने का मर जाएगा, उसको जीवन पर्यंत जो है सो उसको पेंशन मिलेगा परिवार को। हमारा शिक्षक 60 वर्ष तक सेवा करेगा, उसके लिए उसको पेंशन नहीं है। ये जो कल से आपको मैट्रिक का परीक्षा हो रहा है इसको आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो सरकार तो इंतजाम कर रही है कि जो है परीक्षा होकर रहेगा, फिर आप लोगों को ये हड़ताल करने का तो कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। एक उद्देश्य एक ही नारा, पुराना वेतनमान पुरानी सेवा शर्त अधिकार हमारा, इसके तहत हम सारे शिक्षक अभी एक हैं और एक होकर के इस परीक्षा का बहिष्कार करने जा रहे हैं। सरकार के पास में विकल्प था लेकिन सरकार हम लोगों को ठकने का काम करते आई है, हमेशा ही हम लोगों को गुमराह करने की काम करते हैं। मीडिया के तहत हम लोगों को या आम जनता को भी गुमराह करती है। इस बार उनके
नीतीश कुमार के सरकार को भी हम लोग दिखा देंगे कि हम सब शिक्षक में एकता है और एकता के तहत आपके आने वाला समय भी आपके जो गद्दी है उसको भी छीनने का काम करेंगे। निकाल रहे हैं किस संदर्भ में निकाल रहे हैं, क्या है मकसद, क्या उद्देश्य? बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा विगत कई महीनों से, कई सालों से सरकार को यह अवगत कराई जा रही है कि हमारे साथ जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है, हमारी न सेवा शर्त आ रही है, न हमारी समान काम समान वेतन की बात आप करते हैं, इन सभी सात सूत्री मांगों को लेकर के विगत कई महीनों से सरकार को जगाया जा रहा है कि आप हमारी हमसे बात कीजिए और हमारी समस्या को सुनिए, लेकिन ये बाहरी सरकार आज तक हम लोगों को न हमारी समन्वय समिति को बुला के बात करने का फुर्सत मिला उनको, न हमारी कोई मांग पर नोटिस हुई। उन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग 17 तारीख से बेमियादी हड़ताल पे जा रहे हैं।